एक सत्य के यात्री ने प्रश्न पूछा है कि मैं ओशो की तरह दिखने और उनके शब्दों की नकल करने की कोशिश करता हूँ। ओशो एक महान घटना है जो हमारी सदी में घटे, कोई उनसे अछूता नहीं रह सकता। आज की डेट में जो भी गुरु तुम देखते हो आसपास, टीवी पर, यूट्यूब पर, वो सब के सब ओशो से प्रेरित है। वो लोग ओशो का नाम नहीं लेते। इनफैक्ट आज की डेट में गुरु होना तभी पॉसिबल है जब आप ओशो को अपने साथ लेके चले, उनकी विचारधारा के साथ मेल खाएं। कुछ लोकप्रिय गुरु हैं जिनको आप भी जानते होंगे, जैसे सदगुरु जगी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, दीपक चोपड़ा, एकार्ट टॉल और बहुत हैं। ये ओशो का नाम नहीं लेते, लेकिन जो सत्य के साथ जुड़े हुए होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये गुरु दूसरे शब्दों का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात ओशो की ही है। जोक्स ओशो के हैं, समझाने का तरीका बहुत ओशो से मैच करता है। इनफैक्ट ओशो ने बोला था, मेरे बाद और किसी का गुरु होना तकरीबन असंभव होगा, मैं सबकी संभावना खत्म किए दे रहा हूँ। तो पहली बात, मैं तो इस बात का स्वीकार करता हूँ कि मैं ओशो को जी रहा हूँ। कुछ शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश ओशो से ही आए हैं। फिर भी जब मैं अपनी बात करता हूँ तो उसमें ओशो का स्वाद तो रहेगा ही, लेकिन वो फिर भी मेरा सत्य है। जब मैं इन सत्यों के बारे में बात करता हूँ तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनमें मेरी जीवन ऊर्जा है, वह जीवित है। फिर उनके जैसा दिखने की बात, जिसके प्रेम में तुम होते हो उसके जैसे हो जाते हो। मैं उनके जैसा दिखने की नकल नहीं कर रहा, लेकिन ये असंभव होगा कि तुम मेरे गुरु को मेरे भीतर ना देख सको। उनकी छाप तो दिखेगी, चाहे जो भी शब्दों का प्रयोग करो, चाहे जैसा भी दिखो, मेरे कोर में, मेरे हृदय में ओशो है। और अगर ओशो की ब्लेसिंग्स और ग्रेस ना हो तो मैं इन बातों को बांट भी ना सकूं। इसलिए मेरे पीछे लगी ओशो की फोटो सब कुछ क्लियर कर देती है कि मैं कुछ छुपा नहीं रहा, और मैं ज़रूर गुरु के वचनों की बात बोलता हूँ, उनके सत्य को बांटता हूँ, लेकिन कौन नहीं करता। सत्य नया नहीं, सत्य सदा से है। हाँ, उसको रोज़ उघाड़ा जा सकता है, उसको रोज़ जिया जा सकता है। नया सत्य लाओगे भी कहाँ से, जीवन के नियम तो वही है, बस अभिव्यक्ति अलग होगी। इस तरह से तो कोई भी अपनी बात नहीं बोल रहा, सदगुरु शिव के सूत्रों की बात कर रहे हैं, ये तो शिव से आए हैं ना। योग की बात कर रहे हैं, वो तो पतंजलि से आए हैं ना। फिर कोई भगवान कृष्ण की गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति तो हमेशा नई ही होगी ना। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य तो वही है और वही रहेगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमेशा नई होगी, और वो कॉपी तो हो ही नहीं सकती। जब वो सत्य तुमसे बहेगा तो उसमें तुम्हारा ढंग होगा, उसमें तुम्हारा रंग होगा। इसलिए ये फिक्र छोड़ो कि मैं अगर किसी की नकल कर रहा हूँ या ये शब्द किसी और के हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो सत्य है जब मैं उन सत्यों की बात कर रहा हूँ, तो क्या तुम उन सत्यों को जी रहे हो। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, चाहे वो ओशो की हो या बुद्ध की, महत्वपूर्ण ये है कि क्या तुम उन सत्यों को जी रहे हो, क्या ये सत्य तुम्हें छूता है। ये बात करके तुम इस सत्य के क्षण को टाल देते हो। जिस समय सत्य की बात हो उसे अपने हृदय में प्रवेश करने दो, उसको उसी क्षण जी लो, अपना हड्डी मांस मज्जा बन जाने दो, तो ही सत्य तुम जी पाओगे। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, प्रणाम।